जय माता दी। आज हम आपको हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ देख कर बता रहे हैं, इसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा जितनी लंबी होगी, व्यक्ति का जीवन उतना ही लंबा होगा। और इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा जितनी साफ सुथरी प्रबल होगी, मनुष्य का भाग्य बहुत ही जल्दी उसके कार्यों में सहायक होगा। इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जितनी साफ सुथरी होगी, व्यक्ति उतना ही सरल और सही व्यक्ति होगा। हृदय रेखा का उद्गम बुध पर्वत से होता है। ये सीधी हृदय रेखा इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत साहसी और अपने कार्यों को करने वाला है। यहाँ पर ये निम्न मंगल का स्थान होता है। ऐसे व्यक्ति सेना पुलिस में भर्ती होते हैं। ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत का स्थान उच्च होने से, उठा होने से व्यक्ति के यहाँ संतानें होती हैं। बृहस्पति पर्वत उच्च होने से ईश्वर की दया रहती है। शनि उच्च होने से व्यक्ति में अवगुण आ जाते हैं। सूर्य उच्च होने से व्यक्ति नेता होता है या उसकी ख्याति बहुत ही अच्छे स्तर पर होती है। यहाँ पर ये विवाह रेखाएँ, प्रणय रेखाएँ, जितनी साफ सुथरी एक रेखा होगी, उतनी ही व्यक्ति का संबंध सरलता से, शीघ्रता से हो जाएगा। और इसके ऊपर दूसरी रेखाएँ होने से व्यक्ति का प्रणय रेखाएँ होने से व्यक्ति का संबंध अन्य जगहों पर भी हो सकता है, होता है। और एक दूसरी रेखा पूरी समांतर बनी है इस रेखा के बराबर, तो व्यक्ति की दूसरी शादी भी होती है। और उंगलियों पे ये गोल गोल निशान ये चक्र के होते हैं। हाथ में जितने चक्र होते हैं उतना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। जय माता दी।